ये हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई इरफान अलीम और इनकी पूरी टीम ने ये कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा, गरीबों और मजलूमों जो है इसको बांटने का काम होगा, और इससे अच्छा काम मैं नहीं मानता कि कोई और हो सकता है। सर्दी में आप किसी को जो है ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़ा देंगे और उनका सर्दी से बचाव होगा तो इसका बहुत बड़ा पुण्य है। और मैं भाई इरफान अलीम को और उनकी सभी टीम को जो है धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है इतना अच्छा कार्य करने का काम किया, और इनसे सबक लेकर के जो है और भी दूसरे लोग आगे आकर के जो है वो गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। आम जनता के लिए यही है कि आप सब लोग आगे बढ़ कर के जो है गरीब लोगों की मदद करने का काम करें, जिससे जो है उन बेचारों को थोड़ी बहुत ही जो है वो मदद हो सके, उनकी सहायता हो सके। किसान बिल के लिए सीधा सीधा है कि किसान जो है एक तरफ तो जो है मोदी जी कहते हैं कि किसान जो है इस देश का अन्नदाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि उस अन्नदाता का क्या हाल जो है उन्होंने बॉर्डर पर कर रखा है। सारे बॉर्डर पर इतनी सर्दी में कड़कती हुई सर्दी में बारिश इतनी हुई, इतनी बारिश में भी जो है किसान जो है वहाँ पड़े हुए हैं, वो अपने घर से दूर, और समझ में नहीं आता ये गूंगी भरी सरकार जो है इनका कौन सा इस बिल में जो है कौन सा फायदा छुपा हुआ है ताकि ये इस बिल को वापस नहीं ले रहे। सीधी सीधी बात है, अगर किसान ये कह रहे कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है, हमें इनका फायदा नहीं चाहता, तो सरकार ज़बरदस्ती क्यों इनका उनको जो है थोपने का काम कर रही। जिस तरीके से सरकार इस पर जो है अड़ियल रवैया अपना रही तो उससे जो है सरकार की मंशा पर जो है सवाल पैदा होता है, और सीधा सीधा ये बिल जो है ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। वरना आप ही अंदाज लगा दीजिए, मैं अगर आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ और आप उसको ना कर रहे, मुझे नहीं ज़रूरत है, और मैं फिर ज़बरदस्ती जो आपके ऊपर जो उसे थोप रहा, तो इसका मतलब यह मेरा कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा है, जिसलिए मैं उस चीज़ को आपके ऊपर थोप रहा। तो इस बिल से जो है स्पष्ट है, अगर किसान नहीं कह चाह रहे कि भाई बिल जो है अगर कोई और सरकार होती, अगर सरकार में हम लोग होते और किसान मांग करते कि हमें यह बिल मंजूर नहीं है, हम सीधा कहते ठीक है भाई जी, आप लोगों को मंजूर नहीं है, हम इसे वापस ले रहे, आपके लिए ही हमने ये करा और आपको ये मंजूर नहीं है तो वापस ले लिया, तो ये सरकार क्यों ले रही वापस। तो ये आने वाले टाइम में जो है इसका सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और किसान जो है क्योंकि अन्नदाता है वो सबका पेट भरता है, तो उसमें पूंजीपति भी हैं, जो पूंजीपति हैं आज, अगर आज मोदी जी हैं, अगर मोदी जी को किसान की उगाई हुई फसल ना मिले तो क्या मोदी जी का पेट भर जाएगा। इसलिए ये अन्नदाता जब भूलने वाले नहीं है, आने वाले समय में ये लोकतंत्र में सबसे जो मजबूत है वो वोट की ताकत है। जैसे कह रहे हैं कि किसान नहीं है वहाँ पर तो एक राजनीतिक लोग है। नहीं, राजनीतिक लोग किसान नहीं हो सकते, राजनीतिक लोग भी तो किसान है, हम राजनीतिक लोग हम भी तो किसान हैं, हमारे कौन ही फैक्ट्री चल रही। किसान जो है वो ना राजनीतिक होता ना अराजनीतिक होता, किसान तो किसान है चाहे वो कहीं भी है। एक गरीब आदमी जो है उसके पास ज़मीन है तो वो भी किसान है, अब उसे किसान नहीं कहोगे क्या? किसान को जो है जीन्स पहनने का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं पहन सकता वो जीन्स? वो अपनी बात क्यों नहीं कह सकता? किसान गाड़ी में क्यों नहीं घूम सकता? क्या ये सब चीज़ इन्हीं के लिए है? अब किसानों को जाइए, कभी आतंकवादी बता रहे, कभी खालिस्तानी बता रहे, देखो जब क्या ये इतने किसान वहाँ पड़े, ये सारे जो आतंकवादी और खालिस्तान नहीं है, ये तो यही किसान जो है इस भाजपा सरकार को जो सबक सिखाने का काम करेंगे। आज जो लोग इनको आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे, कल को इसका खामियाजा भी इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। और किसान जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस चीज़ का इनसे बदला नहीं लेगा।